सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि आज का दिन बहुत भारत के लोगों के लिए बहुत ही महान और पवित्र दिन है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज हम सब के विचार परिवार के महान प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उन महान नेताओं में हैं जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और सारे देश को ही नहीं अपितु सारी दुनिया को उन्होंने एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन की सुगंध से प्रेरित किया। मुझे आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर देश के वैज्ञानिकों के द्वारा और विशेषकर मेरे साथ में डॉक्टर राकेश कुमार हैं, जो हमारे CSIR के CSIR की प्रतिष्ठित लैबोरेटरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के डायरेक्टर हैं, वो भी आज इस अवसर पर उपलब्ध हैं। आज दिल्ली में दो स्थानों पर वायु नाम का एक उपकरण हमने स्थापित किया है। इससे पहले ठीक 10:30 बजे ITO के क्रॉसिंग के ऊपर, और उसके बाद अभी यहाँ मुबारका चौक के ऊपर ITO के क्रॉसिंग पर इस वायु नाम के उपकरण को स्थापित करने के बाद वहाँ सारे मीडिया के लोगों के साथ हमारे सारे वैज्ञानिकों ने उनके साथ विस्तार से बातचीत किया, इस इक्विपमेंट के बारे में बताया, और उस कार्यक्रम को वहाँ करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। आज का ये वैज्ञानिकों के द्वारा की गई महान खोज को हम अपने प्रिय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पवित्र स्मृति को समर्पित कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सभी देश के वैज्ञानिकों को हम बधाई भी देना चाहते हैं, अभिनंदन भी करना चाहते हैं, उनसे अपील भी करना चाहते हैं कि अपनी जो भी विज्ञान का अनुसंधान है, उस अनुसंधान को हम समर्पित करें देश के उन गरीब लोगों को जिनकी 70 साल के बाद भी समस्याओं का समाधान शायद देश नहीं कर पा रहा है, वो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, सबसे अंत में खड़े हैं, सब प्रकार की तकलीफ को सह रहे हैं, और शायद चारों तरफ लोग उनको देखते भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी जाने अनजाने में नज़रअंदाज करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें कहा कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति की ओर आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, और सत्ता में रहे या ना रहे लेकिन अपना जो भी कर्तव्य है, अपना जो भी कर्म है, वो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए समर्पित होना चाहिए। इसलिए आज वैज्ञानिकों से भी हमने ये अपील की है कि वो अपनी रिसर्च को जनता के लिए समर्पित करें, ऐसे लोगों के लिए समर्पित करें, ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित करें। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पिछले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और वह नरेंद्र मोदी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर और उनके जैसे महान नेताओं से प्रेरणा लेकर भारत की राजनीति में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और वह अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने विज्ञान को भारत के अंदर इस राजनीति के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा किया। पहली बार लाल किले की प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इस देश में खाली जय जवान और जय किसान नहीं होगा, इस देश में जय विज्ञान भी होगा। 1998 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे मार्च में दूसरी बार, तो शायद 2 महीने से भी कम समय के अंतराल में उन्होंने 11 मई 1998 को वो परमाणु परीक्षण करके दिखाए, जिनके कारण भारत का नाम दुनिया के टॉप 5 देशों के अंदर आ गया। किसी को पता भी नहीं लगने दिया और हम रातों रात हम दुनिया की महाशक्ति बन गए। ऐसे महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी से, ऐसे महान दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर आज हम सब लोग काम करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वैज्ञानिक भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए दिन और रात परिश्रम करते हैं। 1-1.5 साल पहले पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अपने अधिकारियों और वैज्ञानिकों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR में काम करने वाले वैज्ञानिकों के साथ जोड़ा, और सबने एक साथ मिलकर एक ही दिशा के अंदर सोचना प्रारंभ किया, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनर्जी, वो सिनर्जी हम लोगों ने विकसित की। हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो विशेषकर जो वायु का प्रदूषण है, ये एक बड़ा विषय हमेशा बना रहता है। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता, उसके कारणों के बारे में क्या क्या किसको करना है उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां एक तरफ हमने पर्यावरण के अंदर एक बहुत बड़ा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें देश के 102 शहरों के अंदर जहां पिछले 5 साल लगातार PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 उसका जो लेवल है वो कंसिस्टेंटली एक्सेप्टेबल लिमिट से हाई रहा, उन 102 शहरों के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर का प्रोग्राम है, और जिसके लिए उन 102 शहरों के अंदर बहुत डिटेल्ड एक्शन प्लान्स बनाकर, उनको गाइडेंस देकर, उनको सब तरह का सपोर्ट देकर, उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके सभी संबंधित विभागों को ट्रेनिंग देकर, जहां एक तरफ उस प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू किया, उसके साथ साथ दूसरी तरफ समाज के अंदर लोग अपनी जिम्मेदारी को भी निर्वाह करें, और लोग कैसे उनको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसके लिए पिछले 1 साल में ग्रीन गुड डीड्स का हम लोगों ने आंदोलन देश के अंदर प्रारंभ किया। इसके बारे में मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज यूनाइटेड नेशंस ने ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन को अपने आंदोलन के रूप में उसको स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट चीफ एरिक सोलम सारी दुनिया के अंदर ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। शायद दुनिया में अभी कई देश तो ऐसे हो गए हैं जहां हमने जहां शुरू किया वहां तो लोग कई हो सकता है कि सुप्त अवस्था में होंगे, लेकिन दुनिया के देश जागरूक हो गए हैं। इसके लिए दुनिया के कई देशों में जाकर मेरे को स्वयं मीटिंग्स करने का मौका मिला, साउथ अफ्रीका में मीटिंग किया, स्वीडन में मीटिंग किया, डेनमार्क में मीटिंग किया, स्वीडन की सबसे पुरानी लुंड यूनिवर्सिटी जो 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ के लोगों ने हमारे साथ मिलकर ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट प्रारंभ किया, और जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो ब्राज़ील के लोगों ने, चाइना के लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने, रशिया के लोगों ने कहा कि हम आने वाले समय में अपनी जो मीटिंग रशिया के अंदर अभी होगी और आने वाले समय में जो ब्राज़ील में होगी इसमें ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट ब्रिक्स के दो देश
कैसे बड़े पैमाने पर लेकर आगे बढ़े उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जहां एक तरफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 102 शहरों में शुरू किया, वहां दूसरी तरफ समाज में ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट शुरू किया, और तीसरी तरफ कैसे विज्ञान के माध्यम से हम इस समस्या के समाधान के लिए काम कर सकते हैं, उसी दिशा के अंदर ये जो एक्टिविटी है इसके लिए मैंने कहा कि डॉक्टर राकेश कुमार जो हमारे डायरेक्टर हैं नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उनके वैज्ञानिकों ने और उसमें बम्बई IIT के इंडस्ट्रियल डिजाइन डिपार्टमेंट के लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, और ये एक इक्विपमेंट विकसित किया है। इस इक्विपमेंट का नाम है वायु, यानी विंड ऑगमेंटेशन एंड प्योरिफिकेशन यूनिट। अभी ये जिस स्केल का यहाँ पर इक्विपमेंट लगा है, ये अपने आसपास के 500 स्क्वायर मीटर के इलाके का जो हवा है उसको एब्जॉर्ब करके उसको शुद्ध करेगा, उसके अंदर से PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसी तरह से दूसरे जो कार्बन से दूसरे जो केमिकल्स हैं उनको जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, फिल्टर करेगा, कुछ का ऑक्सीडेशन करेगा और उसके बाद दूसरी तरफ से साफ हवा निकालेगा, और वो साफ हवा जब इम्प्योर हवा के साथ मिलके फर्दर जो है वो हवा की प्योरिटी को, इसको अभी चौकों पर, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पर, सोसाइटीज़ के अंदर, इंडस्ट्रियल इलाकों में जहाँ की हवा की क्वालिटी और ख़ासकर जो बड़े चौक होते हैं और वहाँ पर ख़ासकर जो बहुत बड़े संख्या में व्हीकल रहते हैं, व्हीकल लाल बत्तियों के ऊपर रुकते हैं, अपने इंजन को खोल के रखते हैं, बंद नहीं करते हैं, और वहाँ इम्प्योरिटीज़ का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उन सब स्थानों पर इसको लगाया जाएगा। अभी दिल्ली के अंदर 15 अक्टूबर तक 54 स्थानों पर हम इन इक्विपमेंट्स को लगाएंगे, और साथ ही साथ ये इक्विपमेंट का जो बड़ा वाला वर्जन है जो आसपास के 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह की हवा को एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे उसको प्रदूषण मुक्त करते हुए वापस प्योरीफाइड हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में भेजेगा, वो इक्विपमेंट भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। इस इक्विपमेंट के लिए नए नए किस्म के डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं, ऐसे डिज़ाइन तैयार हो रहे हैं जो कि ये इक्विपमेंट एक प्रकार से जो बस के शेल्टर हैं उन्हीं के अंदर जो है एक प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी वो बस शेल्टर का भी काम करेंगे, इक्विपमेंट के इस्तेमाल का भी काम करेंगे, और थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे कि जो बस शेल्टर है वो लोगों के लिए पॉल्यूशन का शेल्टर के जैसे काम करेगा, वहाँ पर जो है पॉल्यूशन का भी बचाव होगा, वहाँ पर लोगों को बस का इंतज़ार करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था भी होगी, और इसको और अभी आधुनिक बनाने के लिए और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है उसके साथ वो भी मिलकर काम इसके अंदर कर रही है, और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि ये इक्विपमेंट इस देश के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करने के अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन गुड डीड्स, जब तक हम हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जैसे स्वच्छता का आंदोलन होता है, अगर हम सोचते हैं कि ये स्वच्छता करना ये तो केवल जो है ये समाज के अंदर सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ शहर को गंदा करना है, तो कभी स्वच्छता नहीं हो सकती, कभी स्वच्छता ही सेवा का आंदोलन जो है प्रधानमंत्री मोदी का सफल नहीं हो सकता। और ऐसे ही अगर हमने भी ये सोचा, अब तो इक्विपमेंट लग रहा है जितना मर्जी पॉल्यूशन फैलाते रहो, ये इक्विपमेंट जो है पॉल्यूशन को ठीक करेगा, हमारा काम तो पॉल्यूशन फैलाना है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम सफल कभी नहीं होंगे। इसलिए जैसा हमने लगातार ये प्रयास किया है कि ग्रीन गुड डीड्स, ये ग्रीन गुड डीड्स का आंदोलन ये लोगों का अपना आंदोलन बने, जनता का आंदोलन बने, हम सब अपने जीवन में हर रोज़
कुछ ना कुछ अच्छे ऐसे पॉजिटिव काम करने की आदत डालें, जिन पॉजिटिव कामों को करके हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम हमारा पर्यावरण के प्रति थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे 600-700 से ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव ग्रीन गुड डीड्स को हमने डॉक्टर हर्षवर्धन नाम के ऐप के ऊपर डाला है। आप में से जिस किसी ने भी आज तक उस ऐप को डाउनलोड ना किया हो, मेरा आप सबसे अपील है, कम से कम डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए नहीं लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए, ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने एप्पल स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में जाके केवल डॉक्टर हर्षवर्धन लिखिए तो आधा मिनट में आप डॉक्टर हर्षवर्धन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। और जब आप ग्रीन गुड डीड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन में एक नहीं, एक दिन में 50 ग्रीन गुड डीड्स भी आप अकेले कर सकते हैं। उनको करने के अंदर कोई पैसा नहीं खर्च होता, उनको करने के अंदर कोई मेहनत नहीं लगती। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रीन गुड डीड्स के आंदोलन के माध्यम से हम अपने देश को वो पर्यावरण वापस लौटाने में सफल होंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के जनरेशन्स के लिए, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला था। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो इक्विपमेंट है इसमें दिन भर के अंदर केवल आधा यूनिट बिजली खर्च होती है। यद्यपि इसके अंदर आने वाले समय में हम हाइब्रिड मॉडल में इसमें सोलर का भी जो है इस्तेमाल करेंगे, और सोलर के इस्तेमाल के साथ वो शायद आधा यूनिट बिजली की भी जरूरत ना पड़े। इसकी जो अभी कॉस्ट है वो केवल 60,000 रुपया है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े पैमाने पर देश के अंदर स्केल अप होगा, बड़े पैमाने पर विकसित होगा, तो धीरे धीरे इसकी जो कीमत है वो भी कम होती जाएगी, और एक महीने के अंदर केवल 1,500 रुपये का मेंटेनेंस होता है। तो इसके लिए मैं हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत आज अभिनंदन करना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आशीर्वाद से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक महान खोज की है जो आने वाले समय में हमारे प्रदूषण की समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार जी के लिए आप सब जोरदार उनका अभिनंदन करें, इनके वैज्ञानिकों के लिए और इनके सभी साथियों के लिए, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के लिए, CSIR के लिए, आप सबका ये आशीर्वाद इनके लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आने वाले समय में इस प्रकार के और महान काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहवर्धन का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों का, बहनों का, विशेषकर यहाँ जो भी हमारे साथी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, बहुत सारे हमारे विचार परिवार के लोग आए हैं, बहुत सारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, माताएं, बहनें, नौजवान यहाँ पर आए हैं, और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं अपने मीडिया के मित्रों का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे साथ सुबह 10:30 बजे से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। 10:30 बजे जब मैं ITO चौक पर पहुँचा तो वहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे मीडिया के लोग वहाँ पर अपने कैमरों के साथ 10:30 बजे भी थे। बहुत सारे अभी तो यहाँ थोड़े से आए हैं लेकिन सुबह तो वहाँ और भी ज़्यादा थे। मैं उन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।